एक लॉन्चिंग वीडियो मैंने आपको दिया था जिसमें हम लोगों ने रैशनलिटी देखी थी एंडर आफ्टर एक uh, मैंने ओरिएंटेशन दिया था दोनों में आपको मैंने वही बताने की कोशिश की थी कि कोई भी बुक एक स्पेसिफिक जो है जो नॉर्मल रेफरेंस मटेरियल दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट वो करने से ऐसा कोई फायदा जो है वो भी हो नहीं रहा है तो दैट्स आई एम नॉट गोइंग टू हिच दिस एंटायर सीरीज ऑन अ स्पेसिफिक बुक तो इसका क्रक्स जो है दैट आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड ऑब्वियसली एनसीआर का क्रक्स आई एम गोइंग टू प्रोवाइड बट एनसीआर के जो पहले चार चैप्टर ओल्ड एनसीआर के मुझे उसका थोड़ा सा फ्लो पसंद नहीं आया तो इसके वजह से एक पहले तीन चार लेक्चर जो है एंड आफ्टर वो क्रक्स प्रोवाइड करूंगा मीन वाइल इसका जो पीपीटी जो है टेलीग्राम चैनल ऑफ आर्स तो लेट्स मूव टूवर्स दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विदोपियंस ना वाई स्पेसिफिकली अराइवल ऑफ द यूरोपियन एंड उस भी पोर्टुगल दिस इज क्वाइट सिग्निफिकेंट ये टॉपिक मैंने इसीलिए चूज किया था बिकॉज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक यू विल रियलाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिबेट ऑफ द हिंदू हिस्टोरियोग्राफी जो हमेशा क्लेम किया जाता है कि इंडिया का जो वर्ल्ड जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो 22, 23, 27 थ्री ट्वेंटी सेवन परसेंट अलग अलग डिजिट आते रहते हैं वो एक्चुअल में इंडिया का उसको फायदा हो रहा था या नहीं हो रहा था या फिर इट वॉज रियली डेवलप और वॉज इट तो ये वाला जो एस्पेक्ट हमको यूपीएससी ने पिछले चार साल में इनके ऊपर तीन बार सवाल जो है पूछ लिया है इस बार बहादुर शाह जिसको पोर्तुगीज ने ही मारा था उसके ऊपर सवाल पूछ लिया था दो साल पहले जो यूपीएससी ने ये एक सवाल पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप वेर इंट्रोड्यूस्ड बाय आउटसाइड पावर तो उसमें कॉटन था मीस था टोबैको तो था एक्सेट्रा था तो वो भी पोर्टुगीज से एसोसिएटेड ही था तो रफली तीन क्वेश्चन जो है वी कैन ट्रेस इन एंड में भी आपको ये अंडरस्टैंडिंग लेवल पे थोड़ा सा हेल्प करेगा कि इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ इंडिया इस टाइम की क्या थी एंड फिर ये यूरोपियंस अगर इंडिया में आए तो आए क्यों एंड दैट इज क्वाइट सिग्निफिकेंट कि यूरोपियंस जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि इनको इंडिया में आने की अगर कोई जरूरत पड़ी थी तो ऑब्वियसली वो जरूरत का कुछ ना कुछ तो इंडिया से लेना देना होने ही वाला है

इंडिया के ऊपर एंड ये जो फॉरेन ट्रेडिंग कंपनीज इंडिया में थी उनके ऊपर आई तो लेट्स मूव एक-एक करके कि औरंगज़ेब के डेथ के बाद फाइव मेजर पावर जो वो इंडिया में सेटल डाउन हो चुकी थी बाय द टाइम पीरियड ऑफ पावर मैंने आपको ओरिएंटेशन में भी बताई थी इसी सिक्वेंस में याद करो पोर्तुग इन इन फोर्टीन नाइनटी एट डच समेर डेन्स डेन्स जो है डेनमार्क मतलब के लोग है डच पीपलैंड के लोग माने जाते हैं नैदरलैंड हॉलैंड ये अलग कंट्री है वहां के लोग डच लोग हैं बिलोंगिंग टू दार्क तो ये अलग लोग हैं एंडर आफ्टर फ्रेंच तो डेन्स केम इन अंट्री समेर अराउंडीन फोर्टीन एंडर आफ्टर फ्रेंच केम इन अंट्री इन सिक्सटीन सिक्सटी फोर सो फ्रांस वेर द लास्ट टू अराव

एंड ये सर्कमस्टेंसेज जो है वो काफी सिग्निफिकेंट है बिकॉज यही वाले जो सरकमस्टेंसेज है इसके वजह से यूरोपियन कंट्री में नेशनलिज्म आया कैपिटलिज्म बढ़ा एंड लेटर ऑन यही सर्कमस्टेंसेज नाइनटीन टवेंटी सेंचुरी में इंडियंस में डेवलप्ट होने वाले थे एंड यही इंडियन जो है फिर बेसिकली यूरोपियंस को अपने कंट्री से भगाने भी वाले थे तो ये वाला एस्पेक्ट जो है इंपॉर्टेंट है तो पहले रीजन देखेंगे सो इट ऑल स्टार्टेड विद ट्वेल्थ सेंचुरी यूरोप ट्वेल्थ सेंचुरी यूरोप मतलब दर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज इज अनेसॉफ्ट इसको रेनाइसांस भी बोला जाता है Somewhere around 12th century में 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 नाम का एक एक बंदा था इटली जिसने बुक लिखी थी that is Divine Comedy. तो में, उसने बेसिकली जीजस क्राइस्ट डिवाइन डिवाइन इटी इन क्रिस्टानिटी होता क्या है जीजस क्राइस्ट उनके ऊपर पेरेडी की थी पेरेडी मतलब जीजस क्राइस्ट एंड बाइबल के ऊपर जो जोग बनाने चालू कर दिए ऑब्वियसली अगर आप भगवानों के ऊपर जोक बनाओगे एंड आफ्टर भगवान से रिलेटेड कोई भी अपशब्द बोलोगे फिर कुछ भी करोगे इट लाइटली इन एनी कंट्री हाउ एवर क्रिस्टियन रिलीजन वॉज फॉर्चुनेट इन टू द पीपल जिन्होंने जो धर्म का होल्ड लोगों के ऊपर बैठा हुआ है उसको रिमूव करना जो है अर्लीएस्ट लेवल पे चालू किया एंड इट वॉज दांत डिवाइन कॉमेडी विच इज कंसिडर्ड एज अ लैंडमार्क इवेंट इन द रेनेसांस रेनेसांस जो उसका बिगिनिंग ही दानते माना जाता है एंड दांते ने जैसे अपना बुक लिखा उसको अल्टीमेटली बर्निंग एस टेक कर दिया मतलब इसको जिंदा जला के मार दिया चर्च ने बट इन दी एंड अल्टीमेटली एक ट्रेंड क्रिश्चियनिटी में चालू हुआ दैट इज धर्म का क्रिटिसिज्म एंड व्हेन रिलीजन स्टार्टेड टू गेट क्रिटिसाइज इन तो उसका एक इनडायरेक्ट फायदा जो है यहाँ के लोगों को हुआ कैसे हुआ देन क्रिस्चन रिलीजन में जब गॉड क्रिटिसाइज होना चालू हो गया देन लोगों को पता चला कि भाई ये जो पूरी जो पृथ्वी है या फिर अर्थ जो है उसको बनाने वाला गॉड नहीं है यहाँ पे कुछ नेचुरल लॉज है एंड दैट्स लेटर ऑन यू कैन सी यूरोप में साइंटिफिक डेवलपमेंट चालू है कि ये नेचुरल लॉज है कौन से तो गैलीलियो हो सकता है कोपरनिकस हो सकता है जिन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल चीजें जो प्रूव की और अर्लीस्ट लेवल ऑफ बिग बैंग थियोरी देनी चालू कर दी अर्लीस्ट लेवल ऑफ हेलियोसेंट्रिक वेव मतलब बेसिकली सन जो है वो पूरे के पूरे यूनिवर्स का सेंटर है ये वाली थियरी देनी चालू कर दी इट वॉज न्यूटन जिसने अल्टीमेटली सिक्सटीन सेंचुरी में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नेचुरल लॉज है वो डिस्कवर कर लिए वैसे फिर अग एज फार एज बेसिकली ह्यूमन बॉडीज कंसर्न देन बॉडी से रिलेटेड जो ब्लड सर्कुलेशन हार्ट का फंक्शनिंग ये वाली चीज़ें भी फिफ्टीन सिक्सटीन सेंचुरी तक यूरोप में डेवलप्ड हो गई तो ट्वेल्थ सेंचुरी में रेनेसांस आया एंड रेनेसांस ने जब धर्म को क्रिटिसाइज करना चालू किया तो बस लोगों को ये चीज़ें पता चली कि भाई सब कुछ भगवान के दिन से नहीं होता है भगवान की वजह से चीज़ें नहीं हो रही है देर आर सर्ट नेचुरल लॉज एंड यही नेचुरल लॉस के चक्कर में लोग जो है रिलीजन को छोड़ के मटेरियलिस्टिक बनना चालू हुए मटेरियलिस्टिक बनना चालू हुए इन द सेंस दैट लोगों ने सबसे पहले जो है पॉलिटिकल अथॉरिटी को क्रिटिसाइज करना चालू किया की थियरी लेके बैठे हो बट भाई भगवान तो दिखाई नहीं देता है लोगो ने इकोनॉमिकल कंसेप्ट क्रिटिसाइज करने चालू किए क्लर्गी मतलब सिर्फ चर्च एंडर जो बेसिकली फ्यूडर लॉर्ड मतलब जो नाइट एंडर फ्यूडल लॉर्ड एंड किंग है सिर्फ यही लोग सोसायटी में अमिर की भाई चर्च अगर ऐसा बोल रहा है बाइबल अगर ऐसा बोल रहा है तो हम नहीं मानते वो चीजों को वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं हम लोग तो लोगों ने अपना मटेरियल अपलिफमेंट करना जो है वो भी चालू कर दिया सोशल लेवल पे अगर हम लोग देखें तो इक्वालिटी बेस्ड सोसाइटी वो आनी चालू हो गई अदरवाइज यूरोपियन सोसाइटी भी तो फ्यूडिज्म में बटी हुई थी उनमें भी अल्टीमेटली किंग फ्यूडल लॉर्ड नाइट एंड सर्फ ऐसी चार कैटेगरीज हमको दिखाई देती थी तो सोशल लेवल पे भी जो सोशल नॉम जो एग्जिस्टिंग वो यूरोपियंस ने ब्रेक डाउन करने चालू कर दिए एंड अल्टीमेटली यूरोपियंस ने जो है मल्टीपल साइंटिफिक डेवलपमेंट की तरफ जो है अपनी पूरी सोसाइटी को ढकेल दिया रेनेसांस काफी बड़ा टॉपिक है ऑप्शनल में तो हम लोग इसको एक लेक्चर लगा के पढ़ते हैं बट इन एनि की रेनेसांस की वजह से और रिलीजन के क्रिटिसिज्म के वजह से एक लैंडमार्क शिफ्ट जो है वो यूरोप में आया लैंडमार्क शिफ्ट क्या था लोग जो है बेसिकली मटेरियलिस्टिक बने लोग अपनी इकोनॉमिकल प्रोस्पेरिटी की तरफ गए एंड लोगों में जब इकोनॉमिकल प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी तब ऑब्वियसली लग्जोरियस गुड़ का जो डिमांड है वो बढ़ेगा एंड लग्जोरियस डिमांड मतलब क्या लग्जोरियस गुड़ मतलब क्या चाइना से आने वाला सिल्क इंडिया से आने वाला कॉटन कॉटन क्लोथ या फिर प्रेशियस सेमी प्रेशियस स्टोन्स या फिर बेसिकली एनी अदर स्पाइस रिलेटेड प्रोडक्ट ऑफ इंडिया यही रेनेसांस के वजह से अल्टीमेटली लोगों का ध्यान न्यूट्रिशन की तरफ भी गया ट्रेडिशनल ईटिंग हैबिट है जैसे आज के टाइम पे हिंदू रिलीजन में वेजिटेरियनिज्म के साथ तो यूरोप में भी एक जमाने में चलता था कि रिलीजन जो उनका था बट जब धर्म ही क्रिटिसाइज हुआ तो लोगों की फूड अल्टीमेटली लोगों के प्लेट में जो है नॉनवेज कंजम्पशन बढ़ा नॉनवेज कंजम्पशन जब बढ़ेगा तो उस टाइम पे रेफ्रिजरेटर तो थे नहीं तो अगर आपको नॉनवेज प्रिजर्व करना है तो आपको लगेगा सॉल्ट आपको लगेगा टर्मरिक आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पाइसेस तो मटेरियलिस्टिक अपलिफमेंट एज वेल एज चेंजिंग फूड पैटर्न ऑफ द यूरोपियन पीपल जो है ये बेस माना जाता है कि वाई इंडिया या फिर वाई चाइना और वाई ईस्टर्न कंट्रीज दे बिकम सो सिग्निफिकेंट फॉर द यूरोपियन पीपल एंड फिर इसी टाइम पीरियड में अगर हम लोग देखें ट्वेल्थ से लेके फोर्टीन सेंचुरी में जब ये सारा का सारा रहने जो है हो रहा था तो ये थ से लेके फोर्टीन सेंचुरी के बीच में जब रेनेसा हो रहा था तो ऑब्वियसली रेनेसांस के वजह से इंडियन प्रोडक्ट वहां पे हैवी डिमांड में थे लोगों के पास अब पैसा था तो इंडिया से आने वाला गुड विच वॉज अ लग्जोरियस गुड वो खरीदा जा सकता था इंडिया से आने वाले स्पाइसेस विच वॉज कंसिडर्ड एज क्वाइट कॉमन इन हाउस होल्ड फंक्शनिंग वो भी बेसिकली खरीदे जा सकते थे तो इंडिया के प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो बढ़ रही थी तो ये साइंटिफिक डेवलपमेंट हो सकता है स्पिरिट ऑफ रेनेसांस हो सकता है इसके वजह से क्या हुआ यूरोप में जो है बेसिकली इंडिया के प्रोडक्ट की डिमांड जो है बढ़ी और कौन से प्रोडक्ट थे तो कॉटन भी हो सकता है स्पाइसेस भी हो सकते हैं ये दोनों आइटम इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज कॉटन वॉज कंसिडर्ड एज दे ए लग्जरी एट दैट पीरियड ऑफ टाइम एंडर आफ्टर स्पाइस बिकॉज आपको डेली बेसिस में जो ईटिंग हैबिट अभी आपकी जो चेंज हो रही है उसके वजह से उसका एक डिमांड जो है वो सोसाइटी में बढ़ रहा है हाउ इसी पीरियड ऑफ टाइम में सेंट्रल एशिया में कुछ गड़बड़ हो रही थी यानी सेंट्रल एशिया की गड़बड़ जो है वो काफी सिग्निफिकेंट थी मैप में जाएंगे तो थोड़ा सा बेटर तरीके से समझ सकते हैं ना दिस इज बेसिकली द मैप ऑफ एंटायर वर्ल्ड अभी हमने देखा था कि ट्वेल्थ सेंचुरी से लेकर फोर्टीन सेंचुरी तक ये हाई टाइम था किसका तो का तो रेनाइसांस जो हुआ वो तो सारा का सारा इसी पीरियड में चल रहा था एंड फिर इसकी वजह से यूरोप जो है वहां पे बेसिकली इंडिया एंडर आफ्टर चाइना की जो डिमांड है यहाँ के जो प्रोडक्ट है प्रिसाइजली सिल्क है दर आफ्टर फिर कॉटन है दर आफ्टर टी हो सकता है एंड एंडर आफ्टर स्पाइसेस हो सकता है ये बढ़ रही थी बट ऑब्वियसली चाइना से या फिर इंडिया से यूरोप में प्रोडक्ट जाएगा कैसे उस जमाने में मीडियावल इंडिया की बात चल रही है मीडिएवल वर्ल्ड की बात चल रही है तो सी बेस्ड ट्रेड जो है वो बेसिकली एंशंट पीरियड ऑफ टाइम में ही खत्म हो चुका था अगर आपने मेरे एंशियंट लेक्चर्स देखे हैं एंशियट इंडिया के आर एस शर्मा के उसमें मैंने आपको इलेबोरेटली एक्सप्लेन किया था कि कैसे इंडिया का जो सारा का सारा ट्रेड है भरूच से सोपार का कल्याण से अल्टीमेटली रेड सी के थ्रू जो है यूरोप में जाता था बट अल्टीमेटली वाला ट्रेड जो है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन से जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमको देता है बाय द टाइम पीरियड ऑफ द गुप्ता ऑनवर्ड खत्म हो गया था बिकॉज यूरोपियंस ने रोमस ने इंडिया के साथ ट्रेड बैन कर दिया था एंड तब से लेके बेसिकली बाय द टाइम पीरियड ऑफ द फोर्टीन सेंचुरी की अगर हम लोग बात करें तो तब से लेके फोर्टीन सेंचुरी तक हम लोगों को बेसिकली जो ट्रेड रूट जो है वो खत्म होते हुए दिखाई दिए है एंडस ए जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट था इस पीरियड में इट वॉज ओवरलैंड ट्रूट ओवरलैंड मतलब इंडिया से निकलोगे चाइना से निकलोगे एक जंक्शन पॉइंट आता है अल्टीमेटली कॉन्स्टेंटिनोपल जाओगे कॉन्टेंटिनोपल से अल्टीमेटली वेनिस मतलब इटली एंड फिर वहां से पूरे यूरोप में जो आप ट्रेड फैलाओगे बट बाय टाइम पीरियड ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया या फिर दिस पर्टिकुलर पीरियड सेंट्रल एशिया में जो है ईयर में इवेंट एक 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 ऑफर हुआ जिसको आप बोलोगे फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो है इट वॉज डिजास्टर फॉर द यूरोपियन कंट्री एंड ये फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1443 से ही चालू हुआ था मल्टीपल वेव में कॉन्स्टेंटिपोनोपल नाम की एक है, उसके ऊपर अटैक हुआ एंड जब ये कॉन्स्टेंटिनोपल नाम की सिटी के ऊपर अटैक हुए तो प्रॉब्लम क्या हुआ कॉन्स्टेंटिनोपल उस जमाने में बेसिकली बाइजेंटाइन एम्पायर के अंडर था एंड ये बाइजेंटाइन एम्पायर जो क्रिश्चियन एम्पायर था ये क्रिश्चन एम्पायर जो है बेसिकली इसका और यूरोप का ट्रेड कॉन्टैक्ट काफी अच्छा था तो जैसा इंडिया के प्रोडक्ट एंडर आफ्टर चाइना के प्रोडक्ट यूरोप में जाते थे अरेबिक मर्चेंट हुआ करते थे मीडियल इंडिया में आपने देखा होगा कि ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन सेंचुरी में अरेबिक मर्चेंट का एक हैवी प्रेजेंस इंडिया में दिखा हुआ है ये अरेबिक मर्चेंट जो है बेसिकली इनिशियल लेवल पे इंडिया का सारा प्रोडक्ट लेके जो है कहां पे लेके जाते थे कॉन्स्टेंटिनोपल एंड कॉन्स्टेंटिनोपल से यूरोप में तो ट्रेड वॉज फ्लरिशिंग ट्रेड वॉज बूमिंग उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं था बट फोर्टीन में जब कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल हुआ मतलब बाइजेंटाइन एम्पायर खत्म हुआ And यहाँ पे एक नया एम्पायर आया इस्लामिक एम्पायर है इस पर्टिकुलर एम्पायर का क्रिश्चियनिटी के साथ जम ही नहीं रहा था एंड हुआ क्या फिर ऑटोमन टक्स ने फोर्टीन फिफ्टी थ्री को जैसे ही कॉन्स्टेंटिनोपल अपने अंडर ले लिया तो सबसे पहले कॉन्स्टेंटिनोपल का नाम बदल के कर लिया मॉडर्न डे इस्तानबुल आपको पता ही है तो कॉन्स्टेंटिनोपल इज नथिंग बट इस्तानबुल एंड इसके साथ साथ इन्होंने पूरा का पूरा ट्रेड बैन कर दिया कि वी विल नॉट हैव एनी कॉन्टेक्ट विद द क्रिश्चियन डोमिनेटेड यूरोप एंड हो गई सारी गड़बड़ नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड की एक सिचुएशन आ चुकी है ये सिचुएशन क्या है कि यूरोपियन कंट्री में इंडिया एंड चाइना के प्रोडक्ट का डिमांड है बट ये प्रोडक्ट का जो डिमांड है इंडिया और चाइना के प्रोडक्ट का वो यही से फ्लो होगा कॉन्स्टेंटिनोपल जो है अगर आप आज भी देखोगे इस्तानबुल ये एशिया एंड यूरोप को कनेक्ट करने वाली एक ओनली सिटी है एंड अगर यही बेसिकली बोल रहे कि अब ट्रेड नहीं होगा तो फिर यहाँ पे होगी डिमांड की हैवी किल्लत तो अब यहाँ पे डिमांड जो है बेसिकली क्या होगा बहुत ज्यादा है बट सप्लाई की होगी हैवी किल्लत एंड अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई जो है बेसिकली अगर कम हो रहा है तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा फिर आपको जो है नए रूट जो है ढूंढने पड़ेंगे ऐसा नहीं है कि इनको इंडिया नहीं पता था ऐसा नहीं है कि इनको इंडिया के प्रोडक्ट नहीं पता थे सब पता था एंड वही प्रोडक्ट के चक्कर में तो ये लोग इंडिया में आए थे बस अब ये वाले रूट से मतलब ओवरलैंड वाले रूट से नहीं आ सकते तो आपको क्या करना पड़ेगा ये जो वेस्टर्न कोस्ट है यूरोप का वहां से बैठ के जो आपको शिप में जो है बेसिकली घुसना पड़ेगा एंड फिर वहां से नए ट्रेडिंग रूट जो है इंडिया के लिए आपको ढूंढने पड़ेंगे एंड दैट इज द बिगेस्ट रीजन बाई यूरोपियन सर आइड इन अवर कंट्री ये मैंने आपको ओरिएंटेशन में भी समझाया था कि इंडिया के ऊपर हमेशा से जो बोला जाता है कि ट्वेंटी टू ट्वेंटी सेवन ट्रेड है इंडिया का वर्ल्ड जीडीपी में ये सारा मुगलों के टाइम पे था मुगल्स कब आए 1526 में आए दैट इज सेंचुरी में था एंड बाय द टाइम पीरियड ऑफ द दिक्सटीन सेंचुरी इंडिया में पोर्तुगीज ने अपना पैर जमा लिया था एंड पोर्तुगीज वॉज बेसिकली कैरिंग आउट दैट एंटायर ट्रेड फॉर दैम अगर इंडियन होते एज आई टोल्ड यू इन द लेक्चर इनको यहाँ पे आने की जरूरत ही नहीं पड़ती इलेवंथ सेंचुरी में वास्को दामा का गामा क्यों नहीं आया टेंथ सेंचुरी में क्यों नहीं आया नाइन्थ सेंचुरी में क्यों नहीं आया एट सेंचुरी में क्यों नहीं आया बिकॉज तब अरेबिक ट्रेडर थे एंड अरेबिक ट्रेडर थे तो उस टाइम पे भी इस्लामिक बट बाइजटाइन एम्पायर यूरोप और एशिया को कनेक्ट करने वाला था और उसने खुली छूट देके रखी थी कि भाई ट्रेड करो तो डेटसा इंडिया चाइना का माल जो है जा रहा था यूरोप में वो सडनली बंद पड़ गया एंड ये बंद कब पड़ गया फोर्टीन हंड्रेड एंड यू कैन से स्टार्टिंग फ्रॉम फोर्टीन हंड्रेड एंड फिफ्टीज ऑनली यूरोपियन लोगों में होड़ मच गई मतलब यूरोपियन के या फिर यूरोपियन की जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी या फिर इसमें जो बड़े बड़े जो इम्पोर्टेंट पीपल थे मर्चेंट थे उनके लिए तो भाई ये लॉस मेकिंग एंटिटी हो गया ना लॉस मेकिंग एस्पेक्ट हो गया कि धंधा चल रहा था इंडिया स्पाइसेस इंडिया का कॉटन चाइना का सिल्क चाइना का टी वो प्रोडक्ट आ ही नहीं रहा है तो ये लोग क्या करेंगे पेट्रोनाइज करेंगे तो बड़े बड़े एक्सप्लोर ढूंढे गए एंड एक्सप्लोर को पैसे दिए गए कि आप जाओ और नए सी रूट जो इंडिया में ढूंढो इसमें तीन इंपॉर्टेंट सी रूट जो है बेसिकली फिर अल्टीमेटली डिस्कवर हुए सबसे पहले जो है 1497 में या फिर 1498 में यू कैन क्लियरली सी एक नया ट्रेड रूट जो है बेसिकली चला गया कहां पे तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है बेसिकली उसने ढूंढा कहाँ से ढूंढा तो अमेरिका में ढूंढा आफ्टर फिर ढूंढाफ्ट के अराउंड ही कब्राल करके एक बंदा जो है कैब्राल ने ब्राजील का एक रूट ढूंढा एंड इसी चक्कर में या फिर इसी पीरियड में अल्टीमेटली वास्को द गामा ने जो है बेसिकली कैलिकट का जो ट्रेड रूट है वो ढूंढ निकाला कैब्राल जिसने ब्राजील डिस्कवर कर दिया कोलंबस जिसने अमेरिका डिस्कवर कर लिया एंडर आफ्टर वास्को द गामा जिसने इंडिया डिस्कवर कर लिया तीनों इंडिया ही ढूंढने के लिए निकले थे एंड इट इज नॉट बेसिकली इंडिया तो कोई भी एक ईस्टर्न कंट्री मिल जाए चाइना मिल गया तो भी चल जाएगा बट अल्टीमेटली इंडिया एंड चाइना वॉर एट द बेस बिकॉज यहाँ से आने वाला जो प्रोडक्ट है उसकी एक भयानक डिमांड यूरोपियन मार्केट में थी एंड वही प्रोडक्ट जब वहां पे नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियसली द पर्सन हु विल डिस्कवर द ट्रेड रूट विल गेट मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट आउट ऑफ दिस ट्रेड एंड डैर फिर ये एज ऑफ एक्सप्लोरेशन जो है वो चालू हुआ एंड एज ऑफ एक्सप्लोरेशन में इंडिया को ढूंढने की बातें जो है इन्होंने चालू कर ली आई होप इट इज क्वाइट क्लियर एंड डैट सा दिखेगा कि इस पीरियड ऑफ टाइम में जो सेंट्रल एशिया मिडल ईस्ट वाला जो एरिया जो है इसी को बाईपास करने के लिए इन्होंने वहां से लाया बिकॉज ये रास्ता उनको पता था कि मेडिटेनियन सी से नीचे उतर के रेड सी एंडर आफ्टर मेडिटेरियन सी से अगर आप मिडल ईस्ट में पर्शियन गर्ल्स से इंडिया कैसे आओगे इसके ऊपर तो बड़े बड़े बुक भी अवेलेबल है जैसे ऑफ एरिथ्रियन सी ये ऑफ एरिथ्रियन सी जो है एरिथ्रियन सी का मतलब होता है रेड सी एरिथ्रियन सी मतलब बेसिकली रेड सी हम लोगों ने एंशियंट के सीरीज में ही देख लिया था इंपॉर्टेंट बुक है जो बताता था कि उज्जैन द राफ्टर फिर भरूच एंड आफ्टर फिर सोपारा का यहाँ से ट्रेड जो है रेड सी से कैसे फ्लो होती है बट अब ये वाले रूट काम नहीं थे यहाँ पे अब बेसिकली एक नया कॉन्स्टेंटिनोपल में नया ऑटोमन टर्किश एम्पायर आ चुका था जो क्रिश्चियन रिलीजन के साथ ट्रेड ही नहीं करना चाहता था एंड फिर यहां से ही यू कैन से की जो जितने भी ट्रेड रूट जो है नए नए ढूंढने की कोशिश है वो यूरोपियंस ने चालू की एंड ये जो है बेसिकली सबसे दो बड़े रीजन माने जाते हैं कि वाई यूरोपियंसराइड इंडिया प्रिसाइड इन फिफ्टीन सेंचुरी नॉट बिफोर दैट बिकॉज इंडियन प्रोडक्ट का एक डिमांड यूरोप में हमेशा से ही रहा है ये डिमांड एक्सेंचुएट होने का काम हुआ बिकॉज ऑफ रेनेसो ट्वेल्थ टू फोर्टीन सेंचुरी एंड ये जब डिमांड एक्सेंचुएट हुआ तो उसी टाइम पे जो इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट जो था जो सेंट्रल एशिया मिडल ईस्ट से फ्लो होता था वो यूरोपियंस के हाथ से चला गया वहां पर ओटोमटक्स आ गए एंड पे जब आ गए तो उन्होंने ट्रेड बैन कर दिया क्रिश्चियन एम्पायस के साथ दैट्स क्रिश्चियन हैड टू फाइंड न्यू सी ट्रेड रूट टू इंडिया बिकॉज जहां पे ट्रेड है वहां पे ये लोग जाते थे और जाते क्यों थे बिकॉज ऑफ द रिन्यूड रिनील ऑफ द रेनेसो तो रेनेसॉ के वजह से इनमें जो मटेरियलिस्टिक अप्रोच आया था वो भी इसका एक रीजन हमेशा से ही माना जाता है तो ये मेजर रीजन है बेसिकली यू कैन से स्पिरिट ऑफ रेनेसांस साइंटिफिक डेवलपमेंट अरब डोमिनेंस ऑफ द मोनोपोली ऑफ ट्रेड रूट जिसमें अल्टीमेटली ऑटोम टर्क ने 1453 में जो कॉन्स्टेंटिनोपल के ऊपर कैप्चर किया था आई होप इट इज क्वाइट क्लियर तो ये वाली चीज आपको हमेशा याद रखनी है बिकॉज ये सारा एनालिटिकल एस्पेक्ट है

ये के बिना आप इतने बड़े नेवल कर ही नहीं सकते आप आ कहां से रहो यूरोप से नए ट्रेड रूट ढूंढने निकले हो कहा के लिए इंडिया के लिए गारंटी है सक्सेस होगा देर आफ्टर अगर सक्सेस हुआ तो भी बेसिकली आप वापस आओगे इसकी कोई गारंटी है देर आफ्टर फिर जाने का खर्चा कितना है इसका भी कोई लिमिट नहीं है तो दैट्स सा यू नीड अ स्पॉन्सर यानी स्पॉन्सर अल्टीमेटली कौन बने तो सबसे पहले जो है इटली के ट्रेडर्स इटली के जो ट्रेडर्स थे वो काफी सिग्निफिकेंट थे अब ये ट्रेडर सिग्निफिकेंट क्यों थे वो भी देखेंगे तो ये मैप में ही आपको आंसर मिलेगा कि एक जमाने में अगर हम लोग टाइम टाइप अगर सिल्क रूट की भी बात करें तो सिल्क रूट के जो टिपिंग टॉप थे दैट इज रोम से लेके पैकिंग पैकिंग मतलब बीजिंग तो दिस इज योर बीजिंग पैकिंग से लेके वेनिस जो रोम के अराउंड है बेसिकली वहां तक का सारा का सारा ये कनेक्टिंग रूट थे एंड फिर अल्टीमेटली जब सिल्क रूट भी कोलैप्स हो गया तो भी जो भी स्मगलिंग रूट चलते थे या फिर रूट चलते थे वो अल्टीमेटली आके रोम के अराउंड ही क्या होते थे खत्म होते थे एंड दैट्स इटालियन मर्चेंट जो है उनको ऑलमोस्ट हजार साल के हजार साल से ये पूरे ट्रेड रूट का एक बेनिफिट हमेशा से हुआ था एंड इसमें दो कैटेगरीज हमको दिखाई दी है एक है वेनेशिया एंड दूसरा है तो वेनेशिया एंड जीनोआ दोनों बेसिकली कंट्रीज है सॉरी कंट्रीज ही यू कैन कंसिडर तब इटली को यूनिफाइड नहीं था तो आज के टाइम पे जैसे मुंबई अहमदाबाद मुंबई सूरत या फिर मुंबई बेंगलोर इनमें इकोनॉमिकल टसल चलती रहती है कि कौन सी कंट्री इकोनॉमिकली सुप्रीम है कौन सी कंट्री इकोनॉमिकली पावर हाउस है तो उस जमाने में जब इटली यूनाइटेड नहीं था इटली में भी हम लोगों को ये टसल दिखाई दी है वेनेशिया एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट कंट्री थी जिनोआ एक इंडिपेंडेंट कंट्री थी और ये दोनों के बीच में जो झगड़े लगे रहते थे अल्टीमेटली ये दोनों के बीच में जो झगड़े है ये दोनों के झगड़े कोलैस हो गए 1453 में जब फॉल तो ओवरलैंड रूट दोनों, दोनों खत्म हो गए तो होगा ही एंड यू कैन से वेनेशिया अर्लीस्ट लेवल पे सारा का सारा ट्रेड जो है वो स्पॉन्सर करना चालू किया कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डाटा अगर आपने देख भी लिया तो बेसिकली वास्को दिम हिमसेल्फ या फिर वी कैन इवन टॉक अबाउट बेसिकली ये जो है दैट इज कोलम्बस इन दोनों को जो है फंडिंग करने का काम जिनोआ के ट्रेडर्स ने किया था इनफैक्ट कोलम्बस जिसने अमेरिका डिस्कवर किया था ही वॉज द रेसिडेंट ऑफ द जिनोआ वास्को गामा तो फिर भी पोर्तुगीज था बट उसको भी इनिशियल लेवल का फंडिंग जो है वो जेनोस ट्रेडर ने ही दिया हुआ था तो आपको जो पैटर्न लगता है मतलब एक स्पॉन्सर लगेगा वो वेनेशिया के ट्रेडर ने किया था एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसी पीरियड में जो साइंटिफिक डेवलपमेंट जो हो रही थी उसकी वजह से न्यू नेवर टेक्नोलॉजी भी आई थी ये नेवर टेक्नोलॉजी की भी बात करेंगे दैट इज नाउ कारावाल एंडर आफ्टर गैलियन ये तीन इंपॉर्टेंट शिप जो है इसी पीरियड में आए थे एंड लेटर ऑन द एंड ऑफ द लेक्चर में आपको बताऊंगा भी की पोर्तुगीज ने यही वाली टेक्नोलॉजी मराठास को कैसे ट्रांसफर की थी एंड मराठा के जो सुप्रीम मिलिट्री कमांडर शिवाजी महाराज जिनको ये अपिथाथ भी जाता है टाइटल भी जाता है दैट इज फादर ऑफ इंडियन नेवी तो वो सही में फादर ऑफ इंडियन नेवी थे या नहीं तो उसके ऊपर भी बात करेंगे बट इन एनी केस प्राइवेट सपोर्ट जो है इनको मिला एंड प्राइवेट सपोर्ट के साथ साथ स्टेट सपोर्ट जो है वो भी मिला तो स्टेट सपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है प्रिंस हेनरी का जो इस पीरियड ऑफ टाइम में फोर्टीन में पोर्तुगाल का बेसिकली राजकुमार था एंड ही ऑलवेज इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरेशन ऑफ द न्यू ट्रेडिंग रूट तो उसने भी एक हैवी पेट्रोनाइजेशन जो है वो दिया हुआ था वास्को द गामा अल्टीमेटली इसी का प्रोडक्ट था कि पोर्तुगाल से ही इतने सारे बड़े बड़े जो नेवल एक्सपेडिशन है वो क्यों निकले काब्राल पोर्तुगाल

इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में फ्रांस जो है वो एक वीक पावर था ब्रिटेन तो पूरे के पूरे यूरोप के नक्शे में ही नहीं था इनको तो कोई पूछता भी नहीं था तो अल्टीमेटली पोर्तुगीज एंड स्पेन ये दो ही कंट्री जो है बेसिकली लगी हुई थी पूरे के पूरे नेवल एक्सपेंडिचर के लिए या फिर नेवल एनडीए के लिए इसमें स्पेन जो है उन्होंने मैक्सिमम कॉन्क्वेस्ट जो है लैटिन अमेरिका में किया एंडर आफ्टर एशिया एंड अफ्रीका वाला जो एरिया है वो पोर्तुगाल के हाथ में पड़ा इसका भी एक रीजन माना जाता है कि फोर्टीन नाइनटीज में ही एक ट्रीटी ऑफ टोर्डर साइलिस नाम की एक ट्रीटी साइन हुई थी पोर्तुगाल एंड स्पेन में जिनमें उन्होंने डिस्क्र... बेसिकली ये एक्सेप्ट कर लिया था कि स्पेन जो है वो लैटिन अमेरिका की तरफ जाएगा एंड दर पोर्तुगाल जो एशिया की तरफ जाएगा एंड ऐसा आपको आज भी दिखेगा कि अगर आप लैटिन अमेरिका में जाते हो वहाँ पे स्पेनिश लैंग्वेज ही चलती है कल्चर ही ज्यादा चलता है कॉलोनाइज कंट्री बाय द स्पेनिश पीपल बट इन एनी केस पोर्तुगीज इंडिया में आए एंड इंडिया में आने का जो सबसे पहला वाला जो काम है वो वास्को द गामा का ही हुआ था एज आई टोल्ड यू द फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू गो फ्रॉम आवर कंट्री तो प्रिलियंस के लिए फैक्चुअल डाटा थोड़ा सा याद रखना है आफ्टर फिर ये फैक्चुअल डाटा है कि में वास्को द गामा जो है ही एट मालाबार कोस्ट लाइन मालाबार कोस्ट लाइन मतलब केरला वाला जो कोस्ट लाइन है वो एंड फिर यहीं पे नियर कैलीकट जो है बेसिकली ही लैंडेड एंड कैलीकट में उस टाइम पे रूलर जो थे लोकल झामोरिन रूलर थे उसके साथ उन्होंने डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्ट जो वो भी एस्टेब्लिश किया मैंने अभी के तक बेसिकली जितने भी लेक्चर लिए थे उसमें बच्चों ने हमेशा से क्यूरियसली पूछा है, सर बात, बात कौन सी की लैंग्वेज कौन सी थी तो लैंग्वेज वॉज अरेबिक जब वास्को द गामा इंडिया में आया तो ऑब्वियसली उसके क्रू में अरेबिक पीपल भी थे एंड इंडिया में अरेबिक लैंग्वेज सिंस मीडियल पीरियड चल रहा था अरेबिक ट्रेडर का एक डोमिनेंस इंडिया में हमेशा से ही दिखा हुआ है तो अरेबिक लैंग्वेज के थ्रू जो है बातें हुई डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ एंड अल्टीमेटली रिटर्न बैक टू पोर्तुगाल इन फोर्टीन एंड पोर्तुगाल में जाने के बाद जितना उसका पूरा एक्सपेंडिचर हुआ था फॉर दी एवर इन टू इंडिया उसके सिक्सटी टाइम का प्रॉफिट उसको मिला तो दिस पर्टिक्युलर थिंग सिग्निफिकेंट बिकॉज जैसे ही ने न्यू ट्रेडर ढूंढ लिए तो ऑब्वियसली फिर लॉर्ड्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो है उनको इसका बारे में पता चला एंड आफ्टर फ्रॉम दिस पीरियड ऑनवर्ड यूरोपियन ट्रेड का एक रिन्यूड रिगर या फिर रिन्यूड एफर्ट इंडिया में हम लोगों को दिखाई दिया है तो टॉकिंग ऑफ पोर्तुगीज पोर्तुगीज का इंडिया में जो सेटलमेंट था उसकी बात करनी है दिस विल बी द प्राइमरी टॉकिंग पॉइंट ऑफ टूडेज लेक्चर कि पोर्तुगाल के बारे में हमको देखना पड़ेगा सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द कैपिटलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इन सिक्सटीन सेवनटीन सेंचुरी कि सिक्सटीन सेवनटीन सेंचुरी आते आते इंडिया जो है इकोनॉमिकल पावर हाउस था बट इकोनॉमिकल पावर हाउस मुगलों के अंडर था मराठा के अंडर था बहामनीड या फिर डक्नी सल्तन के अंडर था किसी को नहीं पता एंड उसी का जवाब ढूंढने का थोड़ा सा ये एनडीएर है तो हम जब यूरोपियन कंपनीज देखेंगे तब जाके हम लोग को थोड़ा सा इलेबोरेटली समझ में आएगा कि एग्जैक्टली इंडिया डेवलप था नहीं था या फिर क्या सिचुएशन थी तो उसमें अब बेसिकली पोर्तुगीज इंपीरियल ऑफिसर जो है उनकी थोड़ी सी बात करेंगे ामा फोर्टीन नाइन नाइन में वापस चला गया आफ्टर ही इन आवर कंट्री अगेन ट्वेंटी फोर में वास्को दया एंडीन टी फोर में अल्टीमेटली ही ही डाइड डाइड इन गोवा इट इंडिया तो फोर में जब ही केम बैक इन टू इंडिया कोचिन वाले एरिया में ही अल्टीमेटली डाइड तो फिफ्टीन ट्वेंटी फोर में वास्को दगा केम बैक एंड ही डाइड इन इंडिया ये भी एक फैक्चुअल डाटा थोड़ा सा याद रखना तो फर्स्ट इंपीरियल ऑफिसर अगर पोर्तुगीज का पोर्तुगाल का कोई इंडिया में था तो उसका नाम था पेड्रो कैब्राल ये वही बंदा है जिसने बेसिकली ब्राज़ील जो है वो डिस्कवर किया था एंड जब वो इंडिया में आया देन कैब्राल जो है उसका लोकल झामोर रूलर के साथ एक झगड़ा भी हुआ एंड झगड़ा होने के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर कंट्री एक गनबोट डिप्लोमेसी नाम की एक नई चीज जो हम लोग को दिखाई दी गनबोट डिप्लोमेसी मतलब क्या होती है कि बेसिकली आपका इंडिया का एक कोस्टल एरिया है ये कोस्टल एरिया जो है उसमें एक नेवल डेवलपमेंट हमेशा से होनी चाहिए थी अनफॉर्चुनेटली मीडियवल पीरियड में इंडिया के कोई भी रूलर हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो उन्होंने नेवल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया ही नहीं उसका एक रीजन भी था कि इंडिया का इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में बाहर से ऐसा कोई, कोई खतरा इंडिया को नहीं था एंड इन ऑर्डर ऑफ दैट सेंस कि बाहर से अगर कोई खतरा नहीं है तो दैट साइ फिर वो बाहरी एरिया में प्रोटेक्शन देना या फिर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना ये इंडिया के रूलर्स ने कभी इंपॉर्टेंस समझा ही नहीं इंडिया के रूलर के लिए इंटरनल प्रॉब्लम थे कोस्टल लाइन में कौन बैठा हुआ था एक जमाने में बहामनी सल्तनत एंड विजयनगर ये अपने आप में लड़ रहे थे इनके बाद में यही वाले एरिया में मराठा आए डेक्कनी सल्तनत आई ये अपने आप में लड़ रहे थे तो इनको इंटरनल थ्रेट ज्यादा थी एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल थ्रेट या फिर नेवल थ्रेट एंड नेवी में किसी ने भी एज इंडिया में कभी इन्वेस्ट किया ही नहीं ड्यूरिंग मीडियवल पीरियड ऑफ टाइम उसका लॉस सबसे पहले हम लोगों को दिखाई दिया है इन दिस पर्टिकुलर गनबोट डिप्लोमेसी बड़ी सिंपल डिप्लोमेसी है ये बंदूक की नोक वाली डिप्लोमेसी है काबरा लाया रूलर के साथ मिला एंड झामोरिन रूलर को धमकाया कि अब ट्रेडर के साथ आप नहीं रखोगे आप हमारे साथ कांटेक्ट रखोगे झामोरिन रूलर ने मना कर दिया कैबरल चला गया अपने बोट में वापस एंड देर आफ्टर कोस्टल सिटी जो है बेसिकली कोचिन इज अ कोस्टल सिटी उससे एक किलोमीटर अंदर चला गया अपने शिप में बैठ के एंड फिर एक किलोमीटर अंदर जाके जो है बेसिकली समुंदर से अपनी जो गन बोट वो लेके आया था वहां से तोफ मतलब कैनन जो है उसका बेसिकली एक हैवी फायर जो है उसने कोचिंग के ऊपर करना चालू कर दिया अल्टीमेटली इंडियन रूलर जो झामोरिन उसको समझ में नहीं आया इसको आप टैकल करें तो करें कैसे पहले तो आप वो शिप तक पहुंच नहीं पा रहे हो बिकॉज वो आप एक दो किलोमीटर अंदर जाके बैठी है तो काफी इंटीरियर में जा चुकी है शिप सेकेंड इंपॉर्टेंट शिप थी अगर आप गए भी तो भी वहां पर जाके आप तलवार से उनको मारोगे उनके पास तो मैचलॉक वाली बंदूक है तो उनको मार ही नहीं पा रहे हो एंडसा फिर अल्टीमेटली झामोर रूलर को क्या करना पड़ा बोडाउन करना पड़ा एंड अरेबिक ट्रेडर को अपने एरिया से बाहर निकालना पड़ा ये गनबोट डिप्लोमेसी इसमें दो इम्पोर्टेंट फैक्टर आपको याद रखने हैं कि सबसे पहले ये गनबोट डिप्लोमेसी के वजह से क्या हुआ जो नेवल सुपीरियोरिटी है पोर्तुगीज की एंड इसके बाद अब जो भी यूरोपियन आने वाला है उसकी इंडिया में सिक्योर हुई एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज इसकी वजह से क्या हुई अरेबिक ट्रेडर को अगर आपने निकाला ये अरेबिक ट्रेडर फिर अल्टीमेटली जाके ओटोमन ट एंड जो अपने एरिया में जो इस्लामिक मर्चेंट या फिर इस्लामिक रूलर है उनको कंप्लेंट करने वाले थे एंड दैट्स अ ऑनवर्ड ये इंस्टेंस के वजह से गनबोट डिप्लोमेसी के वजह से यूरोपियंस दैट इज क्रिश्चियन एंड मिडल ईस्ट दैट इज इस्लामिक लोग इनका एक स्टक्सल जो है ये हम लोग को अब दिखाई देगा जिसके अब थोड़े टाइम में बात भी करेंगे बट अपार्ट फ्रॉम दैट ही वॉज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग अ फैक्ट्री एट कैलकाटा फैक्ट्री सिस्टम जो है इसके ऊपर भी लेटर ऑन हम लोग बात करेंगे कि ये फैक्ट्री सिस्टम एक्जैक्टली थी क्या वर्किंग क्या की बट यूरोपियंस में जब एंड में जाएंगे ब्रिटेन एंडर आफ्टर तब ये फैक्ट्री सिस्टम देखेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज बेसिकली फ्रांसिसको डी अल्मेडा फ्रांसिसको डी अलमेडा जो है वो काफी सिग्निफिकेंट है बिकॉज ही इज कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर इन इंडिया तो ये वाला एक फैक्चुअल डाटा भी आपको याद रखना है जैसे इस टाइम पर उन्होंने पूछ लिया था कि भाई कौन से एक्ट से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना तो वैसे ये लोग पूछ सकते हैं कि पोर्तुग का पहला गवर्नर जनरल इंडिया में कौन था तो आपको नाम पता होना चाहिए फ्रांसिस्को फ्रांसिस्को डी डी अल्मीडा अल्मीडा जो है फ्रॉम से लेके 1509 इंडिया में था और उसको स्पेसिफिकली वही टास्क के लिए भेजा हुआ था कि जो अरेबिक मर्चेंट जो जिनको बेसिकली कोचिन से भगाया गया वहां पे चले गए ओटोमन ट से कम्पलेन की आफ्टर उन्होंने जो बेसिकली इजिप्ट के सुल्तान से कम्पलेट की ओमान एंड यमीन एंड सऊदी पे बैठे हुए सुल्तान है उनको कंप्लेंट कर दी तो सारे ही इस्लामिक किंगडम जो है ये खिलाफ खड़े हो गए तो दैट्स पोर्तुगीज के किंग ने इसको भेजा इंडिया में स्पेसिफिक टास्क आपको क्या करना है भाई गल्फ ऑफ हॉर्मस दराफ्टर अडीन एंड दर मलाक का जो है बेसिकली क्या करना है आपको सीज करना है एंड फिर यह मैप में अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा नाउ दिस इज बेसिकली अभी वाला मैप ऑफ uh, पूरे वर्ल्ड का बट ये मैप में आपको कुछ कुछ चीजें जो है बेसिकली पता होनी चाहिए नाउ दिस इज बेसिकली गल्फ ऑफ अडेन स्ट्राइट ऑफ हॉर्म यहां पे आता है अल्टीमेटली वाला एरिया यहां पर है एंड आफ्टर यह है स्ट्राइट ऑफ मलाक्का गेम क्या है वो समझते हैं गेम बड़ा सिंपल है कि ये पर्टिकुलर इंडियन ओशन जो है ये इंडियन ओशन जो है इससे फ्लो होने वाला जो सारा का सारा ट्रेड जो है इसको डोमिनेट करना है पोर्तुगिजर ट्रेडिंग कंपनी और ट्रेडिंग पावर उनको एग्रीकल्चर में या फिर इंडिया के लैंड में कोई लेना देना तो था नहीं तो ट्रेड अगर कंट्रोल करना है तो चाइना से आने वाला जो सारा का सारा ट्रेड है वो स्ट्रैट ऑफ मलाका इंडिया के थ्रू जो है एक तो रेड सी में जाएगा रेड सी में नहीं गया तो फिर पर्शियन गल्फ में जाएगा रेड सी से अल्टीमेटली आप ऊपर उतरोगे कहाँ पे देन मेडिटेरानन सी में पर्शियन गल्फ से फिर अल्टीमेटली आप इराक में जाओगे इराक से फिर अल्टीमेटली आप टर्की में जाओगे एंड टर्की से आप जाओगे कॉन्स्टेंटिनोपल एंड फिर अल्टीमेटली ये दोनों रूट जो है बेसिकली जाके मिलेंगे इटली को तो ये वाला जो ट्रेड रूट जो है ये सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एंड पोर्तुगीज ने वही सोचा पोर्तुगीज ने क्या सोचा कि एंट्री पॉइंट जो है वो चॉकअप कर लेते हैं ये हो गया आपके एंट्री पॉइंट मतलब गल्फ ऑफ अडेन दर आफ्टर स्ट्राइट ऑफ हॉर्मज एंड आफ्टर फिर बेसिकली आपका स्ट्राइट ऑफ मलाक्का ये तीनों पॉइंट जो हम लोग चॉकअप कर लेंगे एंड चॉकअप करके क्या करेंगे अगर ये सब जगह पे इंडिया में शियन गल्फ में रेड सी में एंड दर आफ्टर स्टार्ट ऑफ मलाका में अगर पोर्तुगीज पावर एस्टेब्लिश हो जाती है तो फिर बल्ले बल्ले हर जगह पे टैक्स लगाएंगे एंड हर जगह पे पैसा खाएंगे बड़ी प्लेन सिंपल स्ट्रेटेजी है यही स्ट्रेटेजी को आप बोलोगे ब्लू वॉटर पॉलिसी ऑफ पोर्तुगीज ये जो ब्लू वाटर पॉलिसी है मतलब कैप्चरिंग एंटायर इंडियन ओशन तो इंडियन ओशन का जो ट्रेड है इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे टैक्सेशन लगाएंगे बेसिकली पैसा खाएंगे एंड दिस पर्टिकुलर पॉलिसी जो है इट वॉज सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल कि वाई पोर्तुगीज जो है बेसिकली कभी सोच ही नहीं पाए कि इंडिया के इंटीरियर में भी पैसा है जो ब्रिटिशर्स ने लेटर ऑन सोचा पोर्तुगीज को लगा कि भाई इंडिया में इतना ज्यादा पैसा है ही नहीं और चलो पैसा है तो भी मुगल मराठा विदर आफ्टर फिर इवन विजयनगर एम्पायर एंडर ये बहाम इल्तनत इनसे कौन ही पंगे लेगा ये बड़े बड़े मिलिट्री पावर है और ये बड़े बड़े मिलिट्री पावर के मुंह लगने से बेटर है ये सारे मिलिट्री पावर अपने ओशन पे ध्यान नहीं दे रहे तो ये ओपन सी है एंड यहाँ पे किसी का कंट्रोल नहीं है तो लेट्स बेसिकली कंट्रोल दिस दिस पर्टिकुलर सी एंड इज यू कॉल एज अ ब्लू ओशन वाटर पॉलिसी या फिर ब्लू वाटर पॉलिसी एंड ये ब्लू वाटर पॉलिसी इन्होंने इसीलिए बनाई थी बिकॉज यहाँ पे जो है बेसिकली सारा का सारा अरेबिक ट्रेडर का ही धंधा चल रहा था ट्रेडिशनल अरेबिक स्पियर था अरेबिक लोगों का स्वीयर था अरेबिक पीपल आर इस्लामिक पीपल एंड पोर्तुगीज के किंग के लिए वो एक रिस्पेक्टफुल पोजिशन भी थी या फिर उसका एक प्राइड भी था कि कॉन्स्टेंटिनोपल फॉल होने के बाद इन्होंने हमारी ट्रेड बंद कर दी थी अब हम इनके धंधे बंद करेंगे तो एक रिलीजियस एंगल भी उसको हमेशा से ही दिया जाता है बट नन लेस पोर्तुगीज है उन्होंने बेसिकली अपने आप को अननेसेसरीली यहाँ पे बैठे हुए जो इस्लामिक किंगडम है उनके खिलाफ खड़ा कर दिया और पोर्तुगीज इसमें जीते भी एंड ट्रूली फॉर सर्टन पीरियड ऑफ द टाइम उन्होंने बेसिकली गल्फ ऑफ अडेन एंड आफ्टर इवन स्ट्राइट ऑफ मलाका वाले जो एरिया जो है वो सारे के सारे क्या कर लिए कैप्चर कर लिए एंड एंडर आफ्टर यहाँ पे लेटरॉनिक पॉलिसी भी इंप्लीमेंट की कारता उसके बारे में भी बात करेंगे बट इसका मेन अचीवमेंट वही था कि सबसे पहले इजिप्ट के जो मामलुक सुल्तान थे एंड एंडर आफ्टर गुजरात में भी इंडिया का जो गुजरात वाला एरिया इस्लामिक सल्तनत वाला ही था इस टाइम पे दोनों को इसने हरा दिया इन द बैटल ऑफ चौल इसके साथ साथ जो है फिफ्टीन ओ नाइन में इसने बेसिकली बॉम्बे वाला एरिया कैप्चर कर लिया ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको परस्पेक्टिव से थोड़ा सा याद रखो कि टॉकिंग ऑफ बॉम्बे देन तो बॉम्बे जिसको आज आप मुंबई के नाम से जानते हो बट आप मॉडर्न इंडिया की मिडियल इंडिया की बात करो उसको बॉम्बे ही बोलना है आपको मुंबई नहीं बोलना इट इज अ मॉडर्न नेम तो बॉम्बे जो है बेसिकली वाला एरिया इसमें अगर सबसे पहला यूरोपियन अगर कोई अराई हुआ, हुआ होगा तो पर हैज दिस पर्सन इज देयर दैट इज फ्रांसिस्को डी अलमेदा एंड देयर आफ्टर उसने 1509 में जो है बॉम्बे वाला एरिया जो है कैप्चर किया

तो इवन तो उनके अंडर क्रिटिकल पोर्ट थे पोर्ट होने के बावजूद वो इतना टैक्सेशन से पैसा नहीं कमा पाए तो लेटर ऑन जो है हम लोग देखेंगे बट आई होप इट इज क्वाइट क्लियर अलमेदा के बाद जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन अल्फोंसो अल्फोंसो डी डी इंडिया में काफी फेमस है ये बेसिकली बंदा जो है ही द पॉलिटिकल जीनियस यू कैन से एंड इस बंदे के वजह से जो लोकल लेवल पे पोर्तुग का जो फाउंडेशन बना वो काफी रॉक सॉलिड रहा आज भी अगर आप देखोगे तो गोवा वाले एरिया में जाओगे कोचिन वाले एरिया में जाओगे यहाँ पे आपको इंडो पोर्तुगीज कम्युनिटी दिखाई देती है जैसे पूरे इंडिया में आपको एंग्लो इंडियन दिखाई देते हैं तो ये इंडो पोर्तुगीज कम्युनिटी बनी क्यों बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन एंड आफ्टर यही जो है बेसिकली रियल फाउंडर ऑफ द पोर्तुग पावर इन इज भी माना जाता है पोर्तुगीज गवर्नर इंडिया में आने के बाद उसने बेसिकली बहुत सारी जो नए इनोवेटिव डेवलपमेंट है वो किए थे सबसे पहले ही वॉज द पर्सन जिसने राजा कृष्णदेव राय को कॉन्टेक्ट किया था राजा कृष्णदेव राय वॉज द रूलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर एट दिस पीरियड ऑफ द टाइम तुलुआ डायनेस्टी से बिलोंग करते थे ये हम लोगों ने अब मिडियल इंडिया में देख लिया है किंग फ्रॉम फिफ्टीन हंड्रेड एंड नाइन से लेके 1529 एंड इसी पीरियड में जो है अल्बकर का आया था तो अल्बकर ने कृष्णदेव राय को हेल्प की अगेंस्ट बहा सल्तनत एंड बहा सल्तनत के अंडर जो गोवा वाला पोर्ट था वो उसने कैप्चर कर लिया एंड गोवा वाला पोर्ट कैप्चर करने के बाद विजयनगर एम्पायर के जो किंग थे कृष्णदेव राय उन्होंने गोवा जो है एस अ गिफ्ट वी कैन से पोर्तुगीज को दे दिया एंड फ्रॉम हेंस और दिस पीरियड ऑनवर्ड फिफ्टीन हंड्रेड एंड टेन ऑनवर्ड गोवा पोर्तुगीज के अंडर आया एंड पोर्तुगीज के अंडर ही रहा दर आफ्टर इस बंदे ने अल्टीमेटली जो है ये वाले एरियाल जो है वो कैप्चर करने चालू कर दिए एंडर आफ्टर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है बेसिकली कि स्ट्रैटेजिक कंट्रोल ओवर इंडियाज ओशन जो है ये भी इसी बंदे के अंडर आया बिकॉज ऑब्वियसली अभी आपके पास गल्फ ऑफ अडेन वाला एरिया पूरा का पूरा आ चुका है दर आफ्टर आपके पास जो है बेसिकली गोवा कोचिन वाला एरिया भी आ चुका है तो जो मेन इंपॉर्टेंट रूट है सी रूट जो है वो अब आपके पास आ चुका है एंड फिर यहाँ से आप इलेबोरेट लेवल पे पूरा का पूरा इंडियन ओशियन का जो कंट्रोल है वो कर सकते हो एंड फिर यही कंट्रोल करने के बाद जो है बेसिकली उसने कुछ इंटरनल मेजर भी लिए थे जिसमें पहला एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट इज एबोल ऑफ दिन ऑफ सती इन पोर्टुगीज डोमियन इन इंडिया टू बी प्रेसाइज ये वाली चीज भी आपको याद रखनी है कि सती को बैन करने का क्रेडिट जो हमेशा से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विलियम बैंटिक को जाता है बट विलियम बेंटिक ने भी जब फिफ्ट एटीन में सती को बैन किया था तो इट वॉज इन द ब्रिटिश डोमिनियन ऑनली ब्रिटिश डोमिनियन उस टाइम पे टू थर्ड ऑफ इंडिया था वन थर्ड ऑफ इंडिया तो इंडिपेंडेंट था वन थर्ड ऑफ द इंडिया प्रिंसली स्टेट थे हम लोग को नहीं दिखाई दिया 1947 के 1829 का जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरे इंडिया पे इंप्लीमेंट लेटर ऑन कर दिया बट इन एनी केस ये सती एबोल्यूशन का अगर फर्स्ट क्रेडिट किसी को जाता है तो ऑब्वियसली वो जाता है अलफोंसोडी अल्बकर को जिसने अपने डोमिनियन में गोवा में कोचिन में सती वाली प्रैक्टिस जो है वो बैन कर दी थी देर आफ्टर इट वॉज अल्फोंसो डी अल्बक जिसने लोकल लाइव आयु जो लेने के लिए बेसिकली क्या किया था प्रमोट किया था उसके ऑफिसर को दिस वॉज इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट विथ लॉर्ड कॉर्नवालिस पॉलिसी लेटर ऑन लॉर्ड कॉर्नवाल एंड उसकी जो रिशल पॉलिसी है वो भी देखेंगे एंड इट वॉज लॉर्ड कॉर्नवालिस जिसने ब्रिटिश ऑफिसर को लोकल इंटरमिंग से मना कर दिया था जिसकी वजह से रेसिजम जो है वो इंडिया में बढ़ा After, next one, उसने कुछ नए प्लान जो है जैसे टोबैको एंड काजू इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाया इसके बिगनिंग ऑफ द लेक्स करवाई थी तो ये थोड़ा सा याद रखो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया का द बेस्ट क्वालिटी मैंगो जिसको आज भी माना जाता है हापूस आंबा हापूस मैंगो ये जो है बेसिकलीट इज अल्फोंसो मैंगो ये इंडिया में काफी सिग्निफिकेंट है बेस्ट ब्रीड ऑफ द मैंगो मानी जाती है ये भी अल्फोंसो डी अल्बकर के टाइम पे ही बेसिकली क्या हुई है तो नई बनी है तो इट वॉज बेसिकली दिस न्यू वराइटी ऑफ द मैंगो दैट ही इंट्रोड्यूस्ड इवन दो मैंगो वॉज प्रेजेंट इन इंडिया बिफोर इट ऑल्सो दर आफ्टर फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड एंड इरीगेशन एंड आफ्टर फिर जो दो इंपॉर्टेंट सेंटर है गोवा एंड कोचीन पोर्तुगीज के इंडिया में इसी पीरियड में क्या हुआ है देन ये बनने चालू हो गए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज नीनोडी कुन्हा बीच वाले इंपॉर्टेंट नहीं है इतने तो उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे बट नीनोडी कुन्हा इज अगेन इंपॉर्टेंट नीनोडी कुना जब वो इम्पोर्टेंट इसी वजह से है बिकॉज ही हैड शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ एंटायर पोर्तुगीज डोमिनियन फ्रॉम कोचिन टू गोवा ये कोचिन टू गोवा वाला जो एस्पेक्ट जो है बेसिकली उसने किया था फिफ्टीन हंड्रेड एंड थर्टी फोर के अराउंड फिफ्टीन हंड्रेड एंड ट्वेंटी हंड्रेड एंड थर्टी फोर ये दोनों ईयर आपको मिले, मिलेंगे ट्वेंटी नाइन भी सही है थर्टी फोर भी सही है डज नॉट मैटर बट इसी पीरियड में जो है उसने अपना जो हैडक्वार्टर है पोर्तुगीज डोमिनियंस का फ्रॉम इंडिया वो शिफ्ट किया था कोचिन से लेके गोवा तक अल्टीमेटली उसने बहादुर शाह एक गुजरात का लोकल रूलर है इसके बारे में भी हमने देखा था कि 1539 के अराउंड जो है जब हुमायून भागा था कहाँ से बंगाल से बैटल ऑफ चौसा बैटल ऑफ बिलग्राम तो बहादुर शाह को अवॉइड करते करते वो ईरान गया था क्यों बिकॉज बहादुर शाह के साथ पहले उसने झगड़े मोड़ लिए थे फिफ्टीन में एंड बहादुर शाह साउथ में भाग गया था एंड फॉर ब्रीफ पीरियड ऑफ द टाइम बहादुर शाह जो है उसने पोर्तुगीज के साथ क्या किए थे मिलिट्री कॉन्टेक्ट जो वो भी एस्टेब्लिश किए थे बट अल्टीमेटली दोनों के बीच के झगड़े बढ़े तो भले ही पहले इन्होंने बहादुर शाह को बचा दिया था बाय 1537 बहादुर शाह जो उसको ट्रेचरस इन्होंने मर्डर भी करवा दिया सिंपल तरीके से देखे तो दीव दमन में एक शिप में बैठा हुआ था नीनोडी कुन्हा बहादुर शाह को बुलाया बहादुर शाह के साथ निगोशिएशन में इनका कुछ अनबन हो गया एंड फिर इन्होंने गुस्से में बहादुर शाह जो उसके पाव के ऊपर एक पत्थर बांधा और उसको समुद्र में ढकेल दिया Obviously, उस जमाने में स्विमिंग वाली टेक्निक जो इंडिया में नहीं चलती थी इतनी बहादुर तो इस वाले ऊपर भी यूपीएससी ने इसी बार सवाल पूछ लिए थे तो इसके लिए फैक्चुअल डाटा थोड़े से इंपॉर्टेंट है एंडर आफ्टर फिर इनके जो सेटलमेंट जो है बंगाल में बेसिकली इसी पीरियड में बने थे डेट इज हुगली में तो बंगाल या फिर हुगली वाला एरिया जो है वहां पे भी इन्होंने सेटलमेंट बना दिया है यू कैन क्लियरली सी कि 1534 आते आते इनका प्रेजेंट जो है बॉम्बे एरिया में भी था केरला में कोचिन एरिया में भी था एंड इवन हुगली में भी था बट स्टिल दिस पीपल डिड नॉट कैरी आउट वॉट इलेबोरेट कॉन्क्वेस्ट इन आवर कंट्री ब्रिटिशर्स के लिए हमेशा से एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि इट वॉज बेंगाल एंड बेंगोल के जो रिचेस ब्रिटिशर्स के हाथ में पड़े डिस्कर जिस ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कैप्चर किया बट ये भी आपको समझना पड़ेगा कि इट वॉज बेसिकली वॉट द डिप्लोमेटिक जीनियसनेस एंड आफ्टर मिलिट्री एक्सपेंडिचर और मिलिट्री एडवेंचरिज्म ऑफ ब्रिटिशर्स जिसके वजह से वो बंगाल वाला एरिया उनके हाथ में आया बैटल ऑफ प्लासी लेटर ऑन देखेंगे बट बंगाल में ब्रिटिश आए कप, 1670, 1680s and 1670, 1680s मतलब डेढ़ सौ साल बाद ऑफ द पोर्तुगीज पोर्तुगीज पहले से ही बैठे हुए थे बट स्टिल उन्होंने कभी भी बंगाल को लूट के इंडिया को कैप्चर करने का सपना नहीं देखा एंड पर इसका रीजन वही था कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन इंडिया दे देवर इंटरेस्टेड इन इंडियन ओशन दैट इज दर ब्लू वाटर पॉलिसी जिसके लिए उन्होंने सारी चीजें जो है वो करी थी देर आफ्टर इनकी अगर इंपॉर्टेंट पॉलिसी अगर बात करें पोर्तज की important policies में हम लोगों को दो पॉलिसी दिखाई देती है कार्ताज सिस्टम है एंड दूसरा काफिला सिस्टम है कार्ताज एंड काफिला सिस्टम जो है वो भी सिंपल है जो आपके पास पर्शियन गल्फ है आपके पास गल्फ ऑफ अडेन है आपके पास ट्राइट ऑफ मलाका है आपके पास कोचीन है आपके पास बेसिकली गोवा है एंड दीव दमन वाला एरिया भी इन्होंने कैप्चर कर ही लिया था बाय फिफ्टीन हंड्रेड एंड थर्टी फोर्टी तो ये वाले एरिया आपके पास है तो शिप जो है एक तो नीचे से जो बेसिकली घूम के आएगी इंडिया के थ्रू स्ट्राइट ऑफ मलक्का से जाएगी एंड वैसी शिप जो है इधर ये वाले एरिया से या फिर ये वाले एरिया से आएगी अल्टीमेटली इंडिया के थ्रू द स्ट्राइट ऑफ मलक्का में जाएगी या फिर क्या हो सकता है चाइना से शिप निकले स्ट्राइट ऑफ मलक्का इंडिया के थ्रू एक तो इधर जाए या फिर बेसिकली इधर जाए बट ये स्ट्रेटेजिक स्ट्राइट ऑफ मलाक्का दर आफ्टर फिर ये कोचीन देर आफ्टर ये जो है दैट इज गोवा एंड आफ्टर दीव दमन एंड आफ्टर ये वाले जो है दैट इज पर्शियन गल्फ एंड रेड सी वाले एरिया सब इनके अंडर तो इन्होंने जो है बेसिकली अपने ट्रेडिंग जो है वो देने चालू कर दिए ट्रेडिंग पास मतलब क्या है कि अगर आपको इंडियन ओशियन जो है इसमें अगर प्लाई करना है प्लाई करना है मतलब अगर आपको इसमें सफर करना है तो आपको पोर्तुगेज के ट्रेडिंग जो है खरीदने पड़ेंगे ये पासेस की कुछ फी होती थी क्वाइट हेफ्टी आप जितना ट्रेड कैरी आउट कर रहे हो उसके फाइव परसेंट तक का जो चार्ज जो है ये लगाते थे तो जितना माल आपके शिप में है वो एक तो यहाँ पे चेक किया जाएगा यहाँ पे चेक किया जाएगा यहाँ 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 चेक किया जाएगा और आपको पास जो है खरीदना पड़ता था यूजली आपके फाइव परसेंट ऑफ द माल का एंड फिर इसके वजह से क्या हुआ ये पर्टिकुलर सिस्टम जो है इसको आप बोलोगे ट्रेडिंग पास सिस्टम एंड ट्रेडिंग पास को बेसिकली पोर्तुग वर्ड है दैट इज इज कारताज कारताज तो नथिंग बट अ लाइसेंस और अ पास जो आपको कैरी करना पड़ेगा अगर आपको यहां से अपना माल जो है लेके जाना है बट पांच एक्स्ट्रा टैक्सेशन वे टू मच एंड वो भी कब जब बेसिकली पोर्तुगीज है वो ये सारी चीजों के लिए फोर्स कर रहे थे अगर ये ओपन रखते कि भाई किसी पर्टिकुलर पर्सन को ये पास लेना है तो लो नहीं लेना है तो नहीं लो नहीं लोगे तो पोर्तुगीज प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा लोगे तो पोर्तुगीज प्रोटेक्शन मिलेगा एंड पोर्तज़ का वही कहना था कि भाई अभी ये सारी एरिया हमारे अंडर है तो हम तो भाई पास लगा के ही रहेंगे एंड पास जब हम लेंगे तो ऑब्वियसली अगर आप नहीं लेते हो तो क्या किया जाएगा आपकी जो पूरी की पूरी जो बोर्ड जो है इसको हम लोग ड्राउन कर देंगे डुबो देंगे एंड आपका माल कॉन्फिस्केट कर लेंगे तो इसके वजह से हुआ क्या इसके वजह से एंटी पोर्तुगीज फीलिंग जो है वो बढ़ी ये पर्टिकुलर समुंदर में कौन से लोग जो है बेसिकली फ्लो करते थे या फिर कौन से लोग जो है बेसिकली ये सफ़र करते थे एक तो मर्चेंट होगा मर्चेंट जो है बेसिकली मर्चेंट में भी हम लोगों को दिखाई दिए तो गुजराती मर्चेंट या फिर एक अरेबिक मर्चेंट एंड ये गुजराती एंड अरेबिक मर्चेंट को पहले से ही पोर्तुगीज के साथ प्रॉब्लम था बिकॉज तो पोर्तुगीज इंडिया में आए तो इन्हीं का धंधा बंद होने के कगार पर आ चुका था एंड जब पोर्तुगीज ने ये वाली सिस्टम जब लगाई तो इन्हीं लोगों को जो है सबसे ज्यादा लॉस होने वाला था एंड वो हुआ भी एंड दैट्स अ गुजराती मर्चेंट एंड आफ्टर अरेबिक मर्चेंट ये दोनों मर्केंटाइल कम्युनिटी जो है पोर्तुगीज के खिलाफ हो गई बिकॉज ऑफ दिस कार्ताज या फिर पासिंग सिस्टम एंड फिर इन्होंने दो चीजें की सबसे पहले इन्होंने जो है अपने किंग आफ्टर सुल्तान से कम्प्लेट की कि भाई हम अपना जो किंग रहेगा जिसमें वन ऑफ द इम्पोर्टेंट किंग बहादुर शाह जिसका क्या हुआ आपने देख ही लिया आफ्टर सुल्तान दैट इज इजिप्ट का सुल्तान होगा आफ्टर ओटोमन टर्क्स होगा तो ये वाला कॉन्फ्लिक्ट अभी हम लोगों ने देखा था कि वो चल ही रहा था और क्यों चल रहा था उसका रीजन ये था कि इन्होंने पासिंग सिस्टम कारता सिस्टम इंट्रोड्यूस करके रखी थी तो यहाँ पे घूमना है तो अपने माल का पाँच परसेंट टैक्स पे करो कार्ताज सिस्टम जो थी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा के रखी थी एंड अल्टीमेटली कारताज सिस्टम से बचने का जो मार्ग है वो इंडिया के किंग या फिर बेसिकली इवन मिडल ईस्ट के सुल्तान नहीं दे पाए तो गुजराती मर्चेंट एंड अरेबिक मर्चेंट ने एक नई चीज जो है ये इंडियन ओशन में चालू कर दी नई चीज क्या थी दिस स्टार्टेड टू हायर प्राइवेट आर्मीज प्राइवेट आर्मीज इन देंस कि अगर मेरे को स्ट्राइट ऑफ मलाका से जाना है इंडिया से जाना है गल्फ ऑफ परशिया या फिर रेड सी से जाना है तो पोर्तुगीज के लिए मैं रुकूंगा ही नहीं पोर्तुगीज के पोर्ट पे मैं किसी और के पोर्ट पे जाके रुकूंगा बट अगर पोर्तुगिज मुझे फोर्स करते हैं तो ऑब्वियसली मुझे मेरा प्रोटेक्शन भी तो चाहिए तो प्राइवेट आर्मीज प्राइवेट आर्माड़ा मतलब प्राइवेट शिप जो है एज अ प्रोटेक्शन इन्होंने हायर करने चालू कर दिए ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम यही प्राइवेट आर्मीज जो है जो आपको दिखाई देंगी ये जो प्राइवेट आर्मीज जो है इनको आप बोलोगे क्या पायरेट्स पायरेट्स वाला वर्ड आया भी वही से कि प्राइवेट आर्मी से अल्टीमेटली बने पायरेट एंड पायरेट्स के बारे में अब आपको हमेशा दिखाई देगा कि ये कोई प्राइवेट शिप के ऊपर यूजुअली अटैक नहीं करते ये गवर्नमेंट शिप के ऊपर अटैक करते हैं वाई गवर्नमेंट शिप बिकॉज गवर्नमेंट टैक्सेशन वसूलता है एंड जब गवर्नमेंट टैक्सेशन वसूल लेगा तो प्राइवेट जो ट्रेडर है उसको ये चीज नहीं पसंद आती है एंड दैट्स प्राइवेट ट्रेडर ये पायरेट्स मतलब प्राइवेट आर्मी जो उनको पैसे देके रखता था कि गवर्नमेंट के शिप के आजूबाजू दिखाई दे उसको डुबो दो तो इस दैट्स बेसिकली जो पायरेट जो एंड प्रिसाइजली प्रिसमालियन पायरेट जो आज भी वन ऑफ द प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट बने हुए वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए ये आपको इस पीरियड ऑनवर्ड ही बढ़ते हुए दिखाई देंगे एंड जब पायरेट्स इस पर्टिकुलर एरिया में बढ़े तो उनके खिलाफ जो है बेसिकली एक और नई सिस्टम दैट इज काफिला सिस्टम जो है वो पोर्तुगे ने इंट्रोड्यूस की काफिला सिस्टम मतलब कारवान सिस्टम पोर्तुगीज को पता चला कि भाई ये जो प्राइवेट जो शिप ये है आर्मी मतलब पायरेट जो है वो बेसिकली गवर्नमेंट शिप को भी डुबा रही है एंड गवर्नमेंट शिप के साथ साथ अगर कोई बंदा हमारा प्राइवेट ट्रेडिंग पास ले रहा है तो उसको भी डुबा रही है तो इन्होंने क्या किया अपने जो स्ट्रेटेजिक पोर्ट थे वो हो सकता है गोवा दीव दमन या फिर जो गल्फ ऑफ पर्शिया रेड सी एंडर आफ्टर स्ट्राइट ऑफ मलाका यहाँ से झुंड में शिप जो है भेजने चालू कर दिया दैट इज काफिला चालू कर दिया तो दस पंद्रह प्राइवेट शिप एंड उनको प्रोटेक्शन देने के लिए जो है बेसिकली आठ दस एक्स्ट्रा गवर्नमेंट शिप जो है दैट इज वॉर बोर्ड जो इन्होंने भेजने चालू कर दिए एंड ये काफिला सिस्टम के नाम से जाना जाता है बट अगेन इन डिटेल इतना जाने की कोई जरूरत है नहीं इसमें बस एक एक लाइन में याद रखना है आपको मैं आपको मैंने बस समझाने की जो है वो की है कि एग्जैक्टली एग्जैक्टली exactly कारता सिस्टम सिस्टम एंड काफिला जो exactly है क्या एंड ये कारताज एंड काफिला सिस्टम को बस एक ही लाइन में याद रखना है कि ये ट्रेडिंग पासिस है ट्रेडिंग पासस गुजराती एंड अरेबिक मर्चेंट को अच्छे नहीं लगते थे तो दैट्स साइ उन्होंने कंप्लेन करनी चालू की बट अपने किंग एंड सुल्तान जब पोर्तुगेज के हाथों हार गए तो उन्होंने प्राइवेट आर्मीज हायर की एंड प्राइवेट हार्मिस से बचने के लिए फिर पोर्तुगीज ने काफिला भेजना चालू कर दिया झुंड बना के चलो झुंड में जाते हैं ताकि पायरेट जो है ज़्यादा कुछ बिगाड़ ना पाए एंड आफ्टर पोर्तुगीज के रिलेशन विद द लोकल पावर तो एज फार एज पोर्तुगीज रिलेशन विद द लोकल पावर इज कंसर्न देन इसमें भी देखते हैं सबसे पहले मुगलों के साथ इन्होंने कॉर्डियल रिलेशन जो है बना के रखे थे ये हम लोगों ने मीडिया इंडिया में भी देखा था कि अकबर का जो बेसिकली इबादत खाना जो था इबादत खाना में पादरी दैट इज टन क्वाविवा ये दोनों आ चुके थे मॉन्सरेटन क्वाविवा को हुगली से लाया गया था एंड अल्टीमेटली इसी पीरियड ऑफ टाइम में फिफ्टीज में ही जब मॉन्सरेटन का अकबर के कोर्ट में आए तो उन्होंने अकबर को फॉर द फर्स्ट टाइम पोर्ट्रेट पेंटिंग भी गिफ्ट की थी एंड पोर्ट्रेट पेंटिंग का एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट मुगल पेंटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर रहा है अगर डेक्कन एंडर विजयनगर एम्पायर की बात करें तो बहामनीड एंड विजयनगर नगर एम्पायर के साथ भी इनके अच्छे रिलेशन थे अभी हमने देखा था कि अल्फोंसो डी अल्बकर उसने बेसिकली ये है दैट इज राजा कृष्ण देव राय इसके साथ कार्डियल रिलेशन मेंटेन रखे एंड गोवा वाला जो एरिया है 1510 के अराउंड एज अ गिफ्ट में ले लिया बट नॉट ओनली विजयनगर नगर एम्पायर बट ऑल्सो बहा सल्तनत के साथ भी इन्होंने अच्छे रिलेशन जो है मेंटेन रखे थे पहले बहामनी एंड दर आफ्टर दखनी सल्तनत दोनों जो है बेसिकली इनके साथ कार्डियल रिलेशन मेंटेन करने का काम इन्होंने किया था

शिवाजी महाराज की जो नेवी थी उसमें हम लोगों को दो इम्पोर्टेंट बटालियन या फिर यूनिट दिखते हैं एक का नाम था गालीवात एंड दूसरे का नाम जो था वो था बेसिकली घुराब एंड फिर ये जो दोनों पर्टिकुलर बटालियन जो है इनको इनिशियल लेवल पे सपोर्ट करने का, का काम पोर्तुगीज ने ही किया था पोर्तुगीज ने बेसिकली अपनी एक इंपॉर्टेंट ये है दैट इज वॉर श्री बोट है बेसिकली नाव इसी को आप इंडिया में घुराब बोलते हो ऐसे तीन घुराब जो है बेसिकली शिवाजी महाराज को बेचे थे एंड आफ्टर शिवाजी महाराज के पास अप्रोक्सिमेटली हंड्रेड एंड फिफ्टी गालीवाद थे गालीवाद जो है बेसिकली वो वॉर बोट है मतलब छोटा सा बोट है जिसके ऊपर बैठ के आप बेसिकली यहाँ वहां जा सकते हो एंड आफ्टर वहां से आप युद्ध खेल सकते हो घुराब जो है बेसिकली क्या है प्रॉपर गन बोट है गन बोट इन देंस दैट इसके अंदर तोहफे लगी हुई रहती थी एंड तोहफो से बेसिकली आप एक दूसरे का एरिया जो उड़ा भी सकते थे तो घुराब एंड गालीवाद भी हो सकता है एंड इसके साथ साथ जो इनिशियल लेवल का पेट्रोनाइजेशन मतलब शिवाजी महाराज के नेवी जो है उसके इनिशियल दो एडमिरल जो है बेसिकली हम लोगों को मिले हैं दो इंपॉर्टेंट एडमिरल में सबसे पहला नाम आता है एक भंडारी एडमिरल भंडारी का एंड एडमिरल भंडारी के साथ साथ एडमिरल दौलत खान तो दौलत खान एंड एडमिरल भंडारी शिवाजी महाराज के जो है बेसिकली दो नेवल मिलिट्री कमांडर मतलब एडमिरल हुआ करते थे ये दोनों को इनिशियल ट्रेनिंग जो है पोर्तुगिज ने ही दी थी एंड फिर ये एस्पेक्ट की वजह से एंड आफ्टर शिवाजी महाराज के रिलेशन अच्छे ही थे शिवाजी महाराज अंडरस्टूड अंडरस्टूड द द ऑफ नेवल फोर्स बट ही लिमिटेशन इंडिया में नेवल टेक्नोलॉजी ऐसा है ही नहीं एंड अगर होगी भी तो भी वो थोड़ी सी लो लेवल की यूरोपियन नेवल टेक्नोलॉजी इज क्वाइट सुपीरियर एंड ऐसा फिर वही से बेसिकली सारा का सारा नेवी जो है ये इन्होंने डेवलप करना जो है वो चालू किया था बट अल्टीमेटली सन एंड सक्सेसर संभाजी ही ऑलवेज थॉट पोर्तुगी पोर्तुगीज के साथ उन्होंने इलेबोरेट झगड़े भी मोड़ लिए थे जिसमें से अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई रहेगा तो था बैटल ऑफ पोंडा एंड ट्रिटी ऑफ पोंडा पोंडा जो है एरिया है गोवा का नेवल एरिया है बट इसके पहले ही स्टार्टिंग फ्रॉम सिक्सटीन हंड्रेड एंड एटी वन सिक्सटीन हंड्रेड एंड एटी फोर मुंबई के अराउंड ही बेसिकली दो इम्पोर्टेंट एरियाज हमको दिखाई देते दैट इज पारसेर फिर अंजे दिवा तो जो पॉर्थ अंजे दीवा जो है बेसिकली नॉर्थ कनारा को के ऊपर है सॉरी एंड पार्सिकल जो है मुंबई के अराउंड है ये दोनों एरिया में जो है माइनर्स कर्मेश जो है चालू थी इन बिटवीन संभाजीज नेवी एंड जिसके ऊपर अल्टीमेटली फिर बैटल ऑफ पोंडा हुआ बैटल ऑफ पोंडा में अल्टीमेटली संभाजी रियलाइज दैट ही इज ऑफ नो मैच टू पोर्तुगीज पावर एंड अल्टीमेटली फॉर पीस वजह से अल्टीमेटली पीस ट्रीटी ऑफ पोंडा साइन हुई एंड पीस सिटी ऑफ पोडा में अल्टीमेटली फिर संभाजी ने एक्सेप्ट कर लिया था कि पार्सिक हिल वाला एरिया वो अपने पास रखेंगे अंजे दीवा वाला एरिया वो पोर्तुगीज को जाएगा एंडिस से डिप्लोमैटिक पीसफुल कॉन्टैक्ट जो है वो दोनों में एस्टेब्लिश रहेंगे तो मराठास मुगल एंडर आफ्टर दखन एंडर इवन विजयनगर इस पीरियड में इन्होंने अच्छे रिलेशन जो है मेन्टेन रखे थे बट अल्टीमेटली वही है कि सक्सेस जो है पोर्तुगीज को इंडिया में क्यों नहीं आया दिस इज अ प्रेसिंग क्वेश्चन In the sense that कि अगर पोर्तुगीज इंडिया में थे तो पोर्तुगीज का इंडिया में इलेबोरेट एम्पायर क्यों नहीं बन पाया जस्ट लाइक ब्रिटिश डाउन टू ब्रिटिश पे ही जाना है बट पहले पोर्तुगीज के बारे में देखेंगे तो टॉकिंग ऑफ पोर्तुगीज तो सबसे पहले वी कैन सी दैट की इनके रिसोर्सेज जो थे वो लिमिटेड थे अल्टीमेटली इंडिया इज अ वास्ट कंट्री पोर्तुगीज एक छोटा सा टुकड़ा है कंट्री का उनके पास इतने रिसोर्सेस नहीं थे कि इंडिया के इंटीरियर में घुसे मुगल मराठा एंड आफ्टर फिर विजयनगर दखनी सल्तनत इन लोगों जैसे बड़े बड़े एम्पायरे डिफीट करें तो लिमिटेड रिसोर्सेज इज वन एंड द प्राइमरी एस्पेक्ट वाई पोर्तुगीज पेनिट्रेट इंडिया डीपर ये प्रॉब्लम ब्रिटिशर्स के लिए भी रहा है बट ब्रिटिशर्स ने सिस्टमेटिकली इंडिया का जो मर्सिनरी फोर्स एंड ब्यूरोक्रेसी जो है वो इंडियंस के खिलाफ ही यूज की जिसकी बात बात में करेंगे आफ्टर पोर्तुगीज एम्पायर जो है एक रीडिस्ट्रीब्यूटिव एंटरप्राइज माना जाता है वट इज द मीनिंग ऑफ री डिस्ट्रीब्यूटिव एंटरप्राइज तो री डिस्ट्रीब्यूटिव एंटरप्राइज इन देंस डेट की इन लोगों का ज्यादा फोकस जो है वो नैवल लूटपाट के ऊपर था कारताज काफिला सिस्टम के ऊपर था तो रीडिस्ट्रीब्यूटिव एम्पायर मतलब वही है कि भाई आप ट्रेड मेरे एरिया से फ्लो करो बस मेरे को एक परसेंटेज ऑफ टैक्सेशन दो ब्रिटिशर ने उन्होंने बस ये पूरा का पूरा ट्रेड मोनोपोलाइज करने की सोची एंड दैट इज व्रिटिशर्स वन पोर्तुगीज लॉस बस पोर्तुगीज ने सबको बोला कि ट्रेड करो कोई प्रॉब्लम नहीं है टैक्स दो ब्रिटिशर्स ने बोला कोई ट्रेड नहीं करेगा बस मैं ही ट्रेड करूंगा मोनोपोली रहेगी तो so ऑब्वियसली जब आप ट्रेड मोनोपोली करोगे आपको ज्यादा फायदा होगा एज कम्पेयर टू गेटिंग मी एगर फाइव परसेंट टैक्सेस ऑन द प्रोडक्ट देर आफ्टर फिर एशियन ट्रेड नेटवर्क जो उस टाइम का था ये भी एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है कि ये एशियन ट्रेड नेटवर्क को बर्बाद करने का, का काम पोर्तुगिज ने किया एंड आफ्टर डच एंड ब्रिटिशर्स इंडिया एंड इंडोनेशिया के एरिया में आए तो उसका फायदा डच एंड आफ्टर ब्रिटिशर्स ने उठाया कि पोर्तुगीज ने जो इलेबोरेट डैमेज एशिया के ट्रेड नेटवर्क को करके रखा था बट पोर्तुगीज को इसके लिए बहुत सारे वॉरफेयर खेलने पड़े जिसमें से कुछ कुछ अभी हमने देखे भी थे तो ये एशियन ट्रेड नेटवर्क जो है वो भी एक हिंडरेंस था कि पोर्तुगीज इंडिया में इतने ज्यादा सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाए लेटर ऑन इसके बारे में भी बात करेंगे कि इंडिया में बैठा हुआ रूलर है ब्रिटिशर्स की सुजर क्यों एक्सेप्ट कर लेता था बिकॉज हैदर अली हो दर आफ्टर ईवन सिराजुल्लाह हो या फिर इवन मराठाज हो नाना फडन में सबको एक चीज पता थी सबने एक चीज एक्सेप्ट भी करके रखी थी इनको लैंड पे तो हरा दे समुंदर में इनको कैसे हराए एंड समुंदर में ब्रिटिशर्स के लिए कोई दूसरी चैलेंज बची नहीं थी बिकॉज इंडिया का जो ट्रेडिशनल ट्रेड नेटवर्क था वॉट एवर नेवल फोर्स था वो पोर्तुगीज ने पहले ही बर्बाद कर दिया एंड दर आफ्टर पोर्तुगीजिक्लाइन बायसटीन सेंचुरी एंड जब पोर्तुगीज डिक्लाइन के ऊपर जाएंगे देन ऑब्वियसली सारा का सारा ट्रेड नेटवर्क जब खत्म हुआ तो ब्रिटिशर्स के लिए ऐसा कोई चैलेंज बचा ही नहीं ना इंडिजीनियस ना पोर्तुगीज तो ब्रिटिशर्स के लिए वो विन विन सिचुएशन थी आफ्टर राइवल जो थे वो भी सिग्निफिकेंट है इस पीरियड ऑफ टाइम में ऑटोम टर्क एट डर पीक एंड ऑटोम टर्क के साथ साथ बेसिकली जो मामलुक डायनेस्टी ऑफ इजिप्ट थी वो भी कोई छोटी मोटी नहीं थी वो भी काफी सिग्निफिकेंट डायनेस्टी थी इन्होंने वर्ल्ड वॉर वन में तक पार्टिसिपेट करके रखा था एंड दैट जो फॉरन राइवल थे वो पोर्तुगीज के काफी बड़े थे एज कंपेयर टू वॉट एवर दैट ब्रिटिश इन अवर कंट्री तो इसके बारे में भी लेटर ऑन देखेंगे कि ब्रिटिशर्स को ऐसे फॉरन राइवल का सामना नहीं करना पड़ा जबकि पोर्तुगाल जो है उन्होंने सिंगल हैंडेडली ओटोमन टक जैसे पावर से दुश्मनी मोड़ के रखी थी तो ये भी एक रीजन है कि पोर्तुगीज का मैग्जिम फोकस नेवर ट्रेड के ऊपर ही रहा वो कभी इंटीरियर ऑफ इंडिया में आ ही नहीं पाए एंड दैटस पोर्तुगीजर नॉट द कंटेंडर ऑफ द थ्रोन ऑफ इंडिया और पोर्तुगीज़ बेसिकली कैप्चर इंडिया यूरोपियन पावर इन कंट्री आई इट इज क्वाइट क्लियर लास्टुगर स्ट्रेंथ है वो हम लोगों को दिखाई देती है मैरिटाइम स्ट्रेंथ का मतलब क्या है फर्स्ट टाइम इंडिया में अब एक नेवल पावर का अराइवल हो चुका था एंड ये नेवल पावर की सुजीरा इंडिया फिर जो है वो इंडिया में सभी देख रहे थे पोर्तुगेज ने बस दो चीजें इंडिया में लाई थी एक तो अपनी नाव दैट इज बेसिकली नेवल सुपर पावर या फिर बेसिकली एडवांस शिप जिसमें तीन शिप थे एक तो कारवाल था कारवाल ये नॉर्मल शिप है ये ट्रेडिंग के लिए यूज किया जाता था इसमें आपको दिखाई देगा कि बस एक मास्ट है मास्ट है मतलब बेसिकली यहाँ पे आप बड़े बड़े पर्दे लगाओगे अंडर आफ्टर जब बेसिकली सी विंड आएगी तो सी विंड के थ्रू जो आप ट्रेड उस पर्दों के सहारे कर सकते हो बट यहाँ पे आपको कोई भी मिलिट्री टेक्नोलॉजी नहीं नजर आएगी लेटर ऑन यही कारवाल है उसका इवोल्यूशन हुआ नाव में ये नाव बेसिकली इंडिया में शिवाजी महाराज एज अ अब यूज किया करते थे इसमें आपको दिखाई देगा कि इन्होंने अपनी तोहफे जो है बेसिकली रखी थी इससे हुआ क्या कि कोई भी कोस्टल एरिया जो होता था उसके दूर जाके ये कोस्टल एरिया पे कर, कर, बेसिकली बम्बार्डमेंट जो करते रहते थे कब तक जब तक कोस्टल टाउन सरेंडर ना करे तब तक एंड ऑब्वियसली जब कंटिन्यूस बम्बार्डमेंट होगी तो ये लोग कभी ना कभी तो हैरस होकर सरेंडर करेंगे ही करेंगे हुआ भी वही तो ये जो नाव है ये भी सिग्निफिकेंट है नाव के बाद सबसे सिग्निफिकेंट जो है बेसिकली आर गैलियन ये वाली टेक्निक तो ना पोर्तुगीज ने ना ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कभी इंप्लीमेंट करवाई गैलियन जो है दैट ऑलवेज एक्सक्लूसिवली रिमेन्स फियर ऑफ द ब्रिटिशर्स एंड उनके पहले पोर्तुगीज इन अव कंट्री बट इन एनी केस गैलियन थोड़ी सी बड़ी गनबोट होती है बड़ी बेसिकली वॉरशिप थी उस जमाने की तो ये गैलियन नाव कारवाल ऐसे जो बेसिकली एडवांस शिप जो है वो इन्होंने लाए एंड गन डिप्लोमेसी के थ्रू जो मेरी स्ट्रेंथ जो है उसका प्रदर्शन इन्होंने कर दिया वे अल्टीमेटली समुंदर में एक शिप बैठी है एंड वो शिप आपके ऊपर कंटिन्यूअसली बम्बार्डमेंट कर रही है आपको पता ही नहीं वो शिप तक जाए तो जाए कैसे एंड जाने के बाद जो शिप पे ऊपर कैसे करे और वहाँ के लोगों को मारे कैसे ये कोई आइडिया ही नहीं होता था तो बेसिकली कोस्टल टाउन का रूलर है वो हैरेस होके क्या करता था सरेंडर ही कर देता था न्यू मिलिट्री टेक्नोलॉजी जो है ये इन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस की थी ये भी सिग्निफिकेंट है कि 1498 में ही इंडिया में आने के बाद इन्होंने गन पाउडर गन बोट आफ्टर के मतलब मस्केट जो मैचलॉक हुआ करती थी इनकी वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दी एंड दैट्स यूपीएससी में एक और आपको स्टेटमेंट मिलेगा जो पिछले तीन चार साल में ही पूछा है कि इट वॉज बाबर हु इंट्रोड्यूस मिलिट्री टेक्नोलॉजी या फिर गन पाउडर इन इंडिया नो no, बाबर आया 1526 में पोर्तुग तो 1498 में ही वो टेक्नोलॉजी लेके इंडिया में बैठे हुए थे तो अगर उस टाइम के सुल्तान लोगों ने ये चीज देखी होती सुल्तानों ने ये चीज सीखी होती और अपने पास लाई होती तो शायद बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत नहीं हारते तो न्यू मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी इन्होंने दी एंड आफ्टर कुछ कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन भी है कुछ मेटल वर्क कुछ नया टाइप का आर्किटेक्चर नॉट दैट सिग्निफिकेंट बट द मोस्ट सिग्निफिकेंट इज बेसिकली दिस वन दैट इज क्लोजर इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड ये क्लोजर इंटीग्रेशन जो है उसमें बेसिकली आपको वही समझना पड़ेगा कि फ्रॉम दिस पीरियड ऑनवर्ड

एंड यही पे बेसिकली मैंने आपकी सारी चीजें चालू की थी आई होप इट इज क्वाइट क्लियर एंड आवर लेक्चर अराइवल अपर टूडेक् पोर्तुगीज है वो इंडिया में इतना सिग्निफिकेंट क्यों माना जाता है एंड अराइवल ऑफ द पोर्तुगीज के वजह से ही शायद जो इंडिया में हमेशा से बोला जाता है कि इंडिया एक सोने की चिड़िया थी एंड इंडिया का जो वर्ल्ड ट्रेड में एक्साइज परसेंटेज जो है ये जीडीपी था ये इसी के वजह से हुआ था एंड यही चीज अभी हम लोगों ने मैप में भी समझी कि यूरोप में बेसिकली ये डिमांड क्यों आई आए? डिमांड आएगी तभी तो आपका जीडीपी का हिस्सा वर्ल्ड ट्रेड में बढ़ेगा फिर आप वहां पे सप्लाई नहीं कर रहे थे इसके लिए यूरोपियंस को इंडिया में आना पड़ा इसमें अल्टीमेटली पोर्तुगीज ही क्यों आए बिकॉज इनिशियल लेवल पे पोर्तुगिज को ही जिनोवस ट्रेडर एंडर आफ्टर वेनेशियन ट्रेडर ने बेसिकली क्या किया था सप्लाई किया था एंडर आफ्टर पोर्तुगीज के किंग ने ही इनिशियल लेवल पे एक क्या किया था इनिशिएटिव लिया था कि हमारे जो एरियाज जो है या फिर हमारे जो बेसिकली नेवल पावर जो है उसके थ्रू हम लोग जो है नए ट्रेड रूट ढूंढ लें

एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रांस की जो कंडीशन थी उसको देख के हर एक बंद को पता ही था कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ज्यादा चलने वाली भी नहीं है बट डीपल डेटिशर्स इंडिया में आए थे तो ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी देखेंगे कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस कैसे बनते हैं एंड प्राइवेट एंटरप्राइज जो है वो बनाया किसने सबसे पहले डच में अंडर आफ्टर लेवेंट कारपोरेशन जो अल्टीमेटली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी बना सर थॉमस माइथ के अंदर तो एक थोड़ा सा वो इंटरनल राइवलरी जो यूरोप का चल रहा था वो भी थोड़ा बहुत कल देखेंगे तो दैट विल बी इट गाइस फ्रॉम माय साइड टुडे इसका पीपीडी यू विल बी गेटिंग एट द टेलीग्राम चैनल ऑफ आर्स बट इसका जो क्रक्स मटेरियल रहेगा वो एस सच नहीं है बट इससे एसोसिएटेड चैप्टर तो है अराइवल ऑफ यूरोपियन आई गेस डेट इज चैप्टर नंबर फोर बट मैं उसको बेसिकली थोड़े टाइम बाद मतलब मेरे कम से कम चार पांच लेक्चर जब हो जाएंगे तब आई गिव यू सो पीपीटी लेक्चर रहेंगे सारे इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है तो दैट विल बी इट फ्रॉम माई साइड गाइज आज के लिए विल मीट अगेन देन ओके सो थैंक यू सो मच गाइज आज के लिए फिर रोक देते थैंक यू सो मच ओके आई बी स्टॉपिंग द सेशन स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल